प्रधानमंत्री ने भी कुछ एक दो बातें ऐसी बोली हैं जो कि देश में चर्चा का विषय बन चुका है। डॉक्टर संजय, क्या बिहार में वो मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। कल सैम पित्रोदा ने कह दिया विरासत टैक्स लगना चाहिए जैसे यूएसए में लगता है, वैसे यूएसए के भी कुछ राज्यों में लगता है, 5-6 राज्यों में लगता है और मुश्किल से 1% आबादी इस टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से पेश किया उसको बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से भुना है। देखिए, तीन चीजों को बीजेपी जनता के बीच में रख रही है। एक तो ये कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि यहां के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, उन्होंने माइनॉरिटीज कहा था और फिर कहा था पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। तो उसके बाद बीजेपी कह रही है कि देखिए ये पहले क्या कह रहे थे। उसके बाद एक चीज और बात हुई थी कि 72,000 रुपए 20% आबादी को दी जाएगी, तो सैम पित्रोदा ने कहा था मिडिल क्लास को टैक्स भरना होगा, मतलब मिडिल क्लास पर चोट। अब इनके घोषणा पत्र में है कि संपत्तियों का सर्वे होगा। अब बीजेपी जोरदार तरीके से उठा रही है कि सर्वे कर आपका मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। उस पर सैम पित्रोदा कह देते हैं विरासत टैक्स पे चर्चा होनी चाहिए। क्या बिहार में यह मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अगर यह मुद्दा होगा तो निश्चित तौर पर महागठबंधन कांग्रेस एलआई के तरफ से मिडिल क्लास मुंह मोड़ लेगा? ऐसा कुछ चर्चा आप सुन रहे हैं बिहार में, खासतौर पर कल दूसरे फेज का चुनाव? देश से बाहर नहीं है और बिहार तो बहुत वाइब्रेंट स्टेट है, यहाँ तो चीजें तुरंत कनेक्ट होती है ना। और खास करके जो राजनीतिक सक्रियता है और राजनीतिक समझदारी इस मामले में, तो बिहारियों को माना जाता है कि वो और राज्यों की अपेक्षा बेहतर समझते हैं। तो घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने सवाल किया था प्रधानमंत्री जी कि क्या आपकी संपत्ति घुसपैठियों को बांट दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि जिनको ये छूट दी गई है कि आप अपनी संख्या जितनी भी बढ़ा लें, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो क्या आप अपनी धन अपनी संपत्ति उनको बांट देंगे? और इसका उन्होंने कोरिलेट किया था जो उनका 75% आरक्षण की बात है उसको लेकर, जो कह रही है वो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो लाई है कि हम एक बार फिर जातीय सर्वे कराएंगे और सामाजिक आर्थिक आधार पर हम फिर चीजों को इक्वली देखेंगे कि कौन लोग अभी वंचित हैं, कौन लोग छूट गए हैं। खैर, वहां तक कांग्रेस सफाई ही दे रही थी। हालांकि मैंने कल देखा कि कल कई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने सैम पित्रोदा के बयान को कहा कि वो उनका निजी बयान है, लेकिन उन्होंने तो बजाते अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह से यहाँ पर विरासत टैक्स लगता है, आपके पास भी कोई संपदा है, संपत्ति है, तो बहुत तरह का टैक्स तो आप देते ही हैं, आपको ये टैक्स भी पे करना होगा। स्वाभाविक है कि मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास जो आप कह लीजिए, उसके पास कुछ भी अगर बचा करके कई पीढ़ियों से अगर रखा हुआ है और उस पर अगर इन्होंने इशारा किया है, तो एक अंदर से एक बात तो है कि चीजें को तो वो कनेक्ट की है, लगा है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो, और मैंने तो कई डिबेट इस पर किया है, मैंने कहा कि ये रूस में ही हुआ था कि जब लेनिन आए थे तो उन्होंने जमीन बांटना शुरू कर दिया था कि भाई जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दे दीजिए, और हुआ क्या था कि कई सैनिक जो सेना में नौकरी कर रहे थे उनको लगा कि अगर हम नौकरी करते रहेंगे तो जमीन का हिस्सा हमें नहीं मिलेगा, और सेना छोड़ करके नौकरी छोड़ करके वो आ गए थे कि हमारे हिस्से में भी जमीन मिलेगी क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तो क्या वाम दलों का प्रभाव है इनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर? क्या लेफ्ट की तरह या समाजवादी सोच इनकी आ गई है, या जो कांग्रेस की सोच जो हमेशा मंडल के खिलाफ रही, जो हमेशा जाति के खिलाफ रही? भाई आप और हम और सब लोग इस नारे को तो सुने थे ना, जात पर न पात पर, वो कांग्रेस कंप्लीट जाति की बात अब करने लगी है। वो कहने लगी है कि जो 75% तक का हम रिजर्वेशन ले जाएंगे उसमें आर्थिक असमानता को दूर करेंगे, और आर्थिक असमानता को कैसे दूर करेंगे वो तो छायावाद में बोल रही थी कांग्रेस। सैम पित्रोदा ने तो कहा
कि अगर सारे टैक्सेस से काम नहीं चलेगा तो विरासत टैक्स लगा देंगे। निश्चित रूप से जो आपके सवाल है कि क्या बिहार के मन मस्तिष्क पर मतदाताओं का और यही सवाल मैं अपने संवाददाता शिवम से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो भागलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों जो चर्चा कर रहे हैं शिवम, क्या उसका असर भागलपुर की जनता में है क्या? और मैं मोहित पंडित से भी पूछूंगा कि पूर्णिया में भी इसका कोई असर है क्या, या सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही दिखाई पड़ रहे हैं, जातिगत कैलकुलेशन ही दिखाई पड़ रहा है, जातिगत समीकरण ही दिखाई पड़ रहा है भागलपुर में? जी पंकज जी, भागलपुर में स्थानीय मुद्दे ही पूरी तरह से हावी हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे ही इतने सारे हैं कि लोगों को यहां से बाहर झांकने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग जो हैं वो जाति समीकरण के साथ साथ स्थानीय मुद्दे को देखते हुए ही वोट करने जा रहे हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी इस बार है मैदान में है, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो जदयू को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धन बल से भी मजबूत है, साथ ही साथ उनके साथ एमवाय फैक्टर भी जो है वो भी उनकी तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन के हैं तो मुस्लिम और यादव पहले से उनके साथ हैं। और बात रही स्थानीय मुद्दे की, तो यहाँ पर एयरपोर्ट का मुद्दा हो जो पिछले दो पंचवर्षीय से लगातार चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जिस जगह पर अभी एयरपोर्ट है उस जगह पर हम लोग सोसाइटी बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञान की धरती है ये अंग क्षेत्र, ज्ञान का धरोहर रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक शताब्दी में हम लोग देश विदेश को ज्ञान बांटा करते थे, और वहाँ पर जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग जो है वो लगातार उठती जा रही है, जिस वजह से मुद्दे जो है स्थानीय कुछ ज़्यादा ही केंद्र के मुद्दे से ज़्यादा हावी नजर आ रहे हैं भागलपुर में।